रो जाओ, देख पत्थर आया, पत्थर गाड़ी के साथ हिट हुआ, कोई पता नहीं कब और किस वक्त पत्थर आ सकता है। वहाँ पे बस और ट्रक फंस चुके हैं, मतलब कैसे कार्रवाई कैसे क्लियर होगी, कोई है ही नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सही नहीं है यार। सामने रुकी है, ऊपर से ना पत्थर आ रहे हैं, पत्थर की वजह से 4 दिन गाड़ी को ढूंढते रहे, 4 दिन के बाद आज गाड़ी मिली है, सुनने में आ रहा है। भी लोग जो आते हैं मुंह उठा के ड्राइवरों को गालियां निकालते हैं, वो हम लोगों को मालूम है कि हम कैसे, मतलब इस रोड मैं जाऊंगा इसके साथ। देखिए भाई सामने लग चुका है जाम, वहाँ पे बस और ट्रक फंस चुके हैं। अब ये गलती है भाई, मतलब जब उधर से गाड़ियाँ रोक दी हैं फिर कैसे, मतलब एक दोनों साइड से पैसेंजर गाड़ियाँ छोड़ते हैं उसकी वजह से ये जाम लगता है। दोनों साइड से नहीं छोड़नी चाहिए पैसेंजर गाड़ी, एक ही साइड से मतलब छोड़नी चाहिए। अगर ऊपर से कान भाई है तो ऊपर से ही है, अगर कोई ट्रैफिक वाले का बड़ा इंचार्ज देख रहा हो तो भाई कम से कम इस बात का थोड़ा ख्याल रखें कि अगर कार्रवाई छोड़नी है तो एक साइड से छोड़े, दो साइड से छोड़ने से बहुत दिक्कत होती है अभी रास्ते में। अभी जस्ट कार्रवाई छोड़ी है तो जाम का ये हाल है, तो उसके बाद क्या होगा ये तो मालूम नहीं, देख लो आपके सामने। और एक बात है, जब गाड़ियाँ कार्रवाई उधर से छोड़ती हैं बहुत सारे ड्राइवर सो जाते हैं, देखो अभी कितना जाम लग चुका है, बहुत लंबा जाम लग चुका है भाई। शेर भी पहुंचे हैं भाई, तो देखो दोनों साइड से गाड़ियाँ चल रही हैं एकदम दम मस्त, देख लो भाई, मतलब कैसे कार्रवाई कैसे क्लियर होगी, कोई है ही नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सही नहीं है यार। तो हम बोल देंगे एक ही साइड से छोड़ो, जहाँ से भी छोड़नी है एक ही साइड से छोड़ो, कैसे यहाँ तो दोनों साइड से चल रही है, बाकी आपके सामने ही है ये देखिए, दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं भाई। खाली ट्रैफिक कौन सी साइड से है, दोनों साइड से चल रही है ना, देख लो ये जम्मू से। आप कहाँ से आ रहे हो? अच्छा वही, इसीलिए जाम हो रहा है क्योंकि मोड़ छोड़ है आगे, उसकी वजह से जाम हो रहा है। ओ पीछे लग रहा है, बसें भी आ रही हैं, पैसेंजर समझ नहीं आ रही है कि पसंद वही सिस्टम है ना। देखो भाई इधर हमने रुकी है, ऊपर से ना पत्थर आ रहे हैं, पत्थर की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा है, मतलब रोक रोक के यहाँ से गाड़ियाँ आगे कर रहे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कब और किस वक्त पत्थर आ सकता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ऊपर से पत्थर आया, पत्थर गाड़ी के साथ हिट हुआ,
और गाड़ी और पत्थर सीधा गाड़ी दरिया में चली गई। तो चार दिन गाड़ी को ढूंढते रहे, चार दिन के बाद आज गाड़ी मिली है सुनने में आ रहा है। और अब पता नहीं ड्राइवर भी मिला है कि खाली गाड़ी मिली है, कोई मतलब अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है। तो ऐसे होता है भी ड्राइवरी, सभी लोग जो आते हैं मुंह उठा के ड्राइवरों को गालियां निकालते हैं, पर वो हम लोगों को मालूम है कि हम इस रोड पे कैसे, मतलब इस रोड पे क्या कहीं भी कैसे चलते हैं, जान हथेली पे लेके चलते हैं हम लोग। फिर भी लोग हमें क्या करते हैं, गालियां निकाल देते हैं, ये है वो है, उनको पता नहीं है ड्राइविंग का। यहाँ पे रामबन एरिया वाला, मतलब अगर ये एरिया पार करना ना, और ठंडी की जान जो है मुट्ठी से रहती है, ये मतलब पार होगा भी कि नहीं होगा ये सस्ते में। तो बाकी आपके सामने ही जो भी है वीडियो में भी हम दिखाते रहते हैं, फिर भी ड्राइवरों की कोई इज्जत तो है ही नहीं है। चले भाई, हम तो काम तो करना ही है हमें कोई ना कोई, और ये सीखना है तो यही वाला करना पड़ेगा, ये सिस्टम है और कुछ नहीं। चलो देखते हैं आपको आगे कहीं रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, क्योंकि नाश्ते आगे चला गया, उसने बोला कि आगे कहीं रुकते हैं खाना खाते हैं। चलो भाई मिलते हैं। भाई रुके हैं पीड़ा में आके, रात के 11 बज चुके हैं, तो अभी भूख लगी है क्योंकि पीड़ा में रुके हैं। सब्जी नासिर ने बनाई थी है। दिन को कब बनाई थी है? शाम को 5 बजे के करीब नासिर ने सब्जी बना ली थी। तो अभी बोल रहे थे चावल, मैंने बोला चावल नहीं खाएंगे, थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, उसके लिए हम अभी काली को भी क्या तंग करते हैं, अपना सोचा जो ढाबे से फुलके लेके आ जाओ, वो बैठ के खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं उधमपुर में जाके रुकते हैं, फिर आगे का सीन देखते हैं क्या बनता है। तो चलो खाना खुना फिनिश करते हैं, फिर आगे की स्कीम बनाएंगे उधमपुर में जाके कि क्या करना है, इसने बाहर जाना है नहीं जाना है, वो मतलब उधमपुर जाके मालूम पड़ेगा। तो चलो खाना खाते हैं। क्या स्कीम तेरी चल रही है भाई? अभी बंदे का मूड ऑफ ही है, पता नहीं, अभी देखेंगे उधमपुर तक। तो अब देखते हैं उधमपुर में रुकना है इसने कि जम्मू जाना है, अगर ये जम्मू जाएगा तो फिर मैं इसके साथ जम्मू पहुँच जाऊँगा गाड़ी को, मैं उधमपुर देखेंगे आगे का आगे सोचेंगे, पहले यहाँ पे रुके हैं खाना खाएंगे फिर उसके बाद आगे चलेंगे। भाई उधमपुर पहुँच चुके हैं और मैं जा रहा हूँ जम्मू नासिर के साथ, और काली जा रहा है फैक्ट्री में लोड करने। तो ठीक है भाई काली, अच्छी तरह से गाड़ी लोड लोड करके लाना, ठीक है? कोई बात नहीं। तो मैं जा रहा हूँ जम्मू और ये आ जाएगा कल या परसों लोड करके, एक दो दिन तो लगेंगे लोड करने के। तो चलो ये करता है गाड़ी लोड, मैं नासिर के साथ निकल जाऊंगा, नासिर आ रहा है पीछे। तो बाकी और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो थोड़ा सुना ध्यान से, तो चले हम निकलते हैं और काली कहता है मैं जाऊंगा इसके साथ। जाएगा आगे काट के घूम कर आएगा।